ग्रंथों की ओट में अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मात्र अपनी जीभा के स्वाद के लिए, मात्र पल भर के स्वाद के लिए वो इन्हें मृत्यु के घाट उतार देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं अपनी इस रस इंद्रिय के लिए, अपनी इस स्वादु वृत्ति के लिए आज का इंसान धर्म की आड़ लेता है, ग्रंथों की आड़ लेता है और इनके शब्दों को तोड़ मड़ोर कर प्रस्तुत करता है। एक बार एक जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा को लेकर गुरु महाराज जी के समक्ष आए, कहने लगे कि मैंने कई धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि मांसाहार निषेध नहीं है, लेकिन कहीं ग्रंथों में पढ़ा है कि आप मांसाहार नहीं कर सकते, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। मैं तो असमंजस में हूँ कि आखिर इन धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, सत्य क्या है। गुरु महाराज जी ने उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के भीतर मांसाहार को निषेध किया गया है, मना किया गया है, लेकिन आज का इंसान स्वयं अपने स्वाद के लिए, स्वयं अपने इच्छाओं के लिए वह इन ग्रंथों में भी हेर फेर कर देता है, इन शब्दों को भी बदल देता है। कैसे? देखिए कबीर दास जी का एक श्लोक है, तिल भर मछली खाए के करे कोटि गोदान, काशी करवट ले चले तो भी नरक निदान। इसका अर्थ क्या है कि जिसने यदि इतनी सी भी मछली खाई है, यानी इतना सा भी मांस का भक्षण किया है, थोड़ा सा भी, भले ही वो करोड़ों गौ का दान कर दे, भले ही वो काशी जाकर कितने भी पुण्य कर्म कर ले, लेकिन फिर भी उसके लिए नरक ही निश्चित है। लेकिन आज के स्वादु प्रवृत्ति के इंसान ने इसका अर्थ क्या निकाला? उसने कहा कि यदि तुमने तिल भर मछली खाई है, यानी यदि तुमने थोड़ी सी मछली खाई है तो तुम्हें नरक मिलेगा, इसलिए खूब अच्छे से भर पेट मछली का भक्षण करो, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा तुम नरक के अधिकारी हो। ये इंसान की सोच है, ये इंसान की मानसिकता है कि वो आज इन ग्रंथों के भीतर इन शब्दों का भी हेर फेर कर देता है अपनी इच्छा अनुसार। फिर लोगों ने कहा, अरे हमारे ऋषि महर्षियों ने भी तो गौ मांस का भक्षण किया। उनसे पूछा कि आपको किसने कहा, तो उन्होंने कहा कि अरे उसमें तो स्पष्ट लिखा है ग्रंथों में कि उन्होंने गौ का भक्षण किया। लेकिन सज्जनों, आपने गलत पढ़ लिया, आपने यह तो पढ़ा कि उन्होंने गौ मांस का भक्षण किया, गौ का भक्षण किया, लेकिन संस्कृत भाषा का यदि आप ज्ञान रखते हो तो गौ शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है और गौ शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। हमारे ऋषि महर्षियों ने गौ का भक्षण किया, लेकिन कौन सी गौ का? उन्होंने अपनी इंद्रियों का भक्षण किया। वह इंद्रियां जो संसार की ओर दौड़ती हैं, उन्होंने इन इंद्रियों को इंट्रोवर्ट कर दिया, उनका भक्षण कर लिया, जिसे हमारे ग्रंथों में कहा गया कि ऋषियों ने गौ का भक्षण किया। हमारे ऋषि जिन्होंने गौ को माँ की संज्ञा दी, क्या वो अपनी माँ का अपमान कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो गौ मेध यज्ञ किए, अर्थात जिससे गौ की संख्या में वृद्धि हो, ऐसे ऐसे यज्ञों का उन्होंने निर्माण किया और वेदों के अंदर ये लिखा गया है। डिवाइन डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास डायरेक्ट्स दैट इफ वन एस्पायर्स टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स of this materialistic world, one should prominently serve the cow. यदि आप अपने जीवन में संपन्नता चाहते हो, यदि आप अपने जीवन का आनंद चाहते हो, तो गौ माँ का सेवन करो, उसकी पूजा करो। महात्मा गांधी जी भी अपने शब्दों में यही कहते हैं, cow is the source of progress and prosperity. कि मैं इस गाय को कोई साधारण जीव नहीं मानता, मैं तो इसे संपन्नता की जननी मानता हूँ। इसे कामधेनु शब्द दिया गया, कामधेनु अर्थात जो इंसान की प्रत्येक कामना को पूर्ण करती है, जो इंसान को लाभ देती है, ऐसी माँ का नाम है कामधेनु। आप कहेंगे लाभ, कौन से लाभ? सज्जनों, माँ ने पंच गव्य रूप में हमें अमृत प्रदान किया। माँ का दुग्ध जिसमें सेरी ब्रोसाइस नामक एक ऐसा तत्व विद्यमान है,
यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस दुग्ध का सेवन करे तो उसकी शिराओं में कभी कैंसर प्रवेश नहीं कर सकता। अमेरिका के डॉक्टर कोफार्ड हैमिल्टन हुए जिन्होंने गौमूत्र पर बहुत खोज की और क्या पाया कि गौमूत्र ही एक ऐसी दवा है जो इस कैंसर जैसे रोग को खत्म कर सकती है, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं। यदि मैं बात करूं गैया के गोबर की तो सज्जनों उस गोबर के अंदर ऐसे ऐसे गुण विद्यमान हैं कि हमारे वैज्ञानिक जब उसका परीक्षण कर रहे हैं तो हतप्रभ रह गए हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक हुए जेम्स मार्टिन जिन्होंने गाय के गोबर को लेकर साथ में खमीर को मिलाया और समुद्र के पानी को मिलाकर एक ऐसा उत्प्रेरक बनाया कि उन्होंने घोषणा की कि इस उत्प्रेरक के द्वारा आप किसी सूखी बंजर भूमि को भी पल्लवित कर सकते हो। कोई तेल का कुआं सूख गया है, वहां इसका उपयोग करो, फिर से तेल की धाराएं बहने लगेंगी। ऐसा है गाय का गोबर। वो माँ अपने पंच गव्य रूप में हमें अमृत प्रदान कर रही है, लेकिन विडंबना है, कदर्थना का विषय है कि आज का भारतवासी अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया है। सज्जनों, आज जो माँ का अपमान हो रहा है, जो इस प्रकार गौ को काटा जा रहा है और भक्षण किया जा रहा है, ये आप सब पर, प्रत्येक भारतवासी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि क्या आपको अपनी संस्कृति से प्रेम है? यदि आप भारतवासी हैं, आपको अपनी संस्कृति से प्रेम है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस गौ को हमारी संस्कृति में माँ कहा जाता है और माँ के प्रति एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, इसका भान भी आपको अवश्य होना चाहिए। लेकिन नहीं, इंसान आज अपनी संस्कृति से टूट गया है, आज का भारतवासी अपनी संस्कृति से विमुख हो गया है, इसलिए आज गौ का अपमान हो रहा है। 1947 जिस समय केवल मात्र 306 बूचड़खाने थे, लेकिन आज लगभग 30,000 बूचड़खाने हैं जहां पर ऐसे निरीह जीवों को मारा जाता है। कभी आपने देखा कि इस गौ माँ को किस प्रकार काटा जाता है? जाइए, जाकर देखिए बूचड़खानों में अपनी आंखों से। इस निरीह जीव को एक मशीन पर खड़ा कर दिया जाता है, पीछे की दोनों टांगों को बांध दिया जाता है, फिर क्या होता है, माँ की गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाया जाता है जहां से खून की धारा बहने लगती है, फिर उस माँ की देह से चमड़ी को उतारा जाता है। आप कहेंगे कि उसे पूरे तरीके से मारा क्यों नहीं गया? वो इसलिए क्योंकि यदि उसे मार दिया जाता और फिर चमड़ी उधेड़ी जाती तो वो चमड़ी कम मूल्यों में बिकती ही। और आज के स्वार्थी इंसान ने, ताकि उसे मूल्य ज्यादा मिले, उसने अपनी माँ को तड़पते बिलखते हुए देखता रहा और उसकी देह से चमड़ी को उतारता रहा और उस चमड़ी को फिर डिब्बों में डालकर बेचा जाता है और वही चमड़ी फिर लेदर का रूप लेकर हमारे पास आ जाती है। सज्जनों, हमारे पास, हम भारतवासी जो आज लेदर की उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिन्हें बनाने के लिए गैया को पकड़कर उन्हें काटा जाता है, मारा जाता है, सज्जनों ये हम पर धिक्कार है, ये प्रश्न चिन्ह है हमारी संस्कृति पर, ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम भारतीय हैं? क्या हम उस माँ के सपूत हैं जिस पुत्र का ये कर्तव्य था कि वो अपनी माँ का हर हाल में ध्यान रखे, उसके प्रति जो उसका कर्तव्य है उसे परिपूर्ण करे? नहीं, वो निरीह प्राणी रोता रहा, बिलखता रहा, उसके भीतर से वो बददुआएं, वो नकारात्मक विचार निकलते रहे, क्या करती, किसी ने उसके आंसू नहीं देखे। उसके आंसुओं में उसके मन से जो भाव निकल रहे थे वो यही थे, संवेदनहीन हुआ ये प्राणी, यहाँ कोई नहीं हमारा है, हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है, चरम सीमा यहाँ पाप की है, कहानी अत्याचारों की, विश्व भरा मानव हृदय में भाषा है हथियारों की, लेकर स्वार्थ का खंजर ये नित्य हमको काट रहा है, पीकर खून के प्याले खुशियां अपनी बांट रहा है, अब नैया मझधार में अटकी तू ही एक किनारा है, हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। यही वो धरा है मैया जहां ऋषियों ने सम्मान दिया, मात्र पशु थी हम जग में पर माँ का हमको नाम दिया, अजब दशा उस माँ की आज वो बेबस और लाचार है,
अपने ही बालक नित्य करते उसका व्यापार है। अब आशाएं तुझसे बांधी, तू ही एक सहारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। रक्षक भक्षक बन बैठा, हम किसको अपनी व्यथा सुनाएं? पतन में गिरते मानव को हम कैसे संस्कृति याद दिलाएं? तुम हो दया दायिनी माता, गौरी बनकर आ जाओ। गैया तुम्हारी बुला रही है, आकर कंठ लगा जाओ। मोक आहे बस दया मांगती, बहती अश्रु धारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। हे महागौरी सुन लो व्यथा, हमने तुम्हें पुकारा है। हे माँ, ये इंसान सुख की चाह में आज ना जाने कहाँ निकल गया है। ये सुख नहीं अपितु स्वयं के लिए दुखों के द्वार खोल रहा है। जानते हैं कैसे? जिस गैया के, जिस मांस के भक्षण को आप बड़े स्वाद से, बड़े जायके से चखते हो, जानते हैं ये मांस, इस मांसाहार को हमारे ग्रंथों में निषेध क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि इस मांसाहार के द्वारा हमारे भीतर बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं। ऑस्ट्रेलिया जहां पर सबसे ज्यादा गायों का भक्षण किया जाता है, वहां सबसे ज्यादा आंतों का कैंसर पाया जाता है। मधुमेह, टेपवर्म, रक्त विषाक्त, कैंसर, ये सारी वो बीमारियां हैं जो उस मांस के साथ साथ हमारे शरीर में लग जाती हैं। सज्जनों, मुझे कबीर दास जी का वो श्लोक बहुत अच्छा लगता है, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, घर में जो मानुष मरे बाहर देत जलाए, आते हैं फिर घर में औघट घाट नहाए, औघट घाट नहाए बाहर से मुर्दा लावे, नून मिर्च घी डालकर उसको फिर पकावे, कहे कबीर दास उसे फिर भोग लगावे, घर घर करे बखान, पेट को कब्र बनावे। बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि किसी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लोग शमशान भूमि में जाते हैं और मुर्दे को उसका अंतिम संस्कार कर जब घर लौटते हैं, आकर स्नान करते हैं, लेकिन कैसी विडंबना है, फिर बाहर से एक मुर्दा लेकर आते हैं, एक मांस का टुकड़ा लेकर आते हैं और उसमें नमक और मिर्च डालकर उसे घर में पकाते हैं, बैठकर बड़ी तसल्ली से उसका भक्षण करते हैं, अपने इस पेट को कब्र बनाकर बड़े खुश हो रहे हैं। सज्जनों, ये कैसा सुख है, ये कैसी खुशी है जो आपके इस शरीर में विष घोल रही है, जो आपको जहर प्रदान कर रही है, ये कैसा आनंद है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि आज का इंसान जो सुख की चाह में निकला है, लेकिन उसने अपने लिए दुख के द्वार खोल लिए हैं, और आज वो अपनी पंक्तियों में क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। को तूने बखूबी जिया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया। अपने हाथों ही अपना पतन है किया। शेर शाह को तूने बखूबी जिया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया। अपने हाथों ही अपना पतन है। अब तो तू कर ले थोड़ा रहम, खुद पे अब तो तू कर ले थोड़ा रहम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। किस दिशा में पढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया।
चाहत थी बदले में पाया है गम। अंश है तू प्रभु का तू बिसरा दिया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। अंश है तू प्रभु का तू बिसरा दिया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। तू क्षमा दिल है नरम, तू क्षमा मांग ले उसका दिल है नरम। इस दिशा में बड़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। इस दिशा में बड़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। यूं भटक कर कहीं पहुँचेंगे हम, यूं भटक कर कहीं भी न पहुँचेंगे हम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। इस दिशा में बड़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। इस दिशा में बड़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम, सुख की चाहत थी बदले में पाया है गम। सुख की चाह में आज का इंसान केवल गम ही पा रहा है। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, जो माँ आप पर कृपा कर रही है, जिस गौ माँ के हमारे जीवन में इतने लाभ हैं, सज्जनों उस माँ के प्रति आपका जो कर्तव्य है उस दिशा की ओर बढ़िए, क्योंकि यह किसी जाति या किसी धर्म का नहीं, यह हर घर का है। गौ हत्या का प्रश्न समूची मानवता भर का है। गौ हत्या करने वाला सभ्यता उचाट रहा है, गाय को काटने वाला अपनी माँ को काट रहा है। माँ के हत्यारे को खुलकर दंड दिलाना होगा, गौ की रक्षा का घर घर अलख जगाना होगा, गौ की रक्षा का घर घर अलख जगाना होगा। और इसी भावना को लेकर गुरु महाराज जी ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसे कामधेनु का नाम दिया गया। सज्जनों, ऐसा नहीं है कि इस गौ की रक्षा के लिए पहले कोई प्रयास नहीं किया गया। बहुत प्रयास किए गए, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, उससे पूर्व भी और आज तक भी। कभी लोकमान्य तिलक जी ने कह दिया कि स्वतंत्रता मिलते ही कलम की नोक से सबसे पहले भारत में गौ हत्या बंद की जाएगी। स्वराज्य मिले कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन आज भी वो हो रहा है। कभी कितने 10 लाख गौ भक्तों ने सर्वदलीय प्रदर्शन किया संसद के बाहर, उन्हें बलिदान देना पड़ा, लेकिन माँ का बलिदान बंद नहीं हुआ। ना जाने कैसे कैसे संघ की स्थापना की गई, ना जाने कैसे कैसे प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहां बात आती है इंसान की मानसिकता की, तो सज्जनों वहां पर बाहर से ये कागज के ढेर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कागज के ढेर मात्र राख बनकर रह जाएंगे। यदि आप इस समस्या को खत्म करना चाहते हो तो यहां से खत्म करो, इंसान की मानसिकता से खत्म करो। उसके भीतर वो सांस्कृतिक गुण पैदा कर दो, उसके भीतर ये भावनाएं पैदा कर दो कि सामने जो निरीह जीव खड़ा है इसके प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और इसी भावना को लेकर गुरु महाराज जी ने कामधेनु प्रकल्प चलाया, जिसके अंतर्गत हम ये जान पाए कि गौ माँ का हमारे जीवन में क्या लाभ है, क्यों उसे संपन्नता की जननी कहा गया। यदि हम आज उसकी देखभाल करें, यदि आज हम गौ संरक्षा के, गौ रक्षा के संरक्षण में
संवर्धन में खड़े उठें तो इसका क्या क्या लाभ हम भारतवासियों को मिल सकता है। सज्जनों, फिर वो दिन दूर नहीं जब फिर से भारत जगत गुरु की उपाधि पर प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि यही एक कारण है यदि हमारी संस्कृति लौट आई तो भारत फिर से उसी ऊंचाइयों को छुएगा। सब आपके हाथ में है, क्योंकि भारत कोई निर्जीव पृथ्वी का टुकड़ा नहीं है, आप लोगों से मिलकर बना है भारत। इस भारत की इकाई है आप। यदि आप इस भारत को उन्नति की ओर देखना चाहते हैं, उत्थान के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो चलिए हमारे साथ और ये संकल्प लीजिए कि आज के ये बाद ये हाथ कभी किसी पशु का वध करने के लिए नहीं उठेंगे, कभी भी ये जिभा अपने इस स्वाद के लिए किसी की मृत्यु की कामना नहीं करेगी, और जो भी लोग इस घृणित कार्य को करेंगे हम उसे जाकर रोकेंगे, उसे समझाएंगे, उसे उसकी संस्कृति का याद दिलाएंगे, उसे स्मरण कराएंगे कि भारतीय संस्कृति की जड़ क्या है, अध्यात्म है। अध्यात्म से जुड़कर ही इंसान के भीतर जो ये मानसिकता है ये शुद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं।